लगे मार रहे भैया, छोड़ दीजिए भैया, काहे लगे मार रहे, छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुली और इसकी भी ट्वाइलाइट हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था गुल्ली बुली और सोन एक होटल में रुके हुए रहते हैं। तभी रात को किसी के गाने की आवाज आती है। बुल्ली उठता है और उस कमरे के बाहर चला जाता है। बाहर जब टॉयलेट में जाता है तो वहाँ पर इसकी भी टॉयलेट बुल्ली पर हमला कर देता है और बुल्ली की आवाज़ सुनकर गुल्ली और सोन कमरे के बाहर आ जाते हैं और उस होटल के मालिक से बुल्ली के बारे में पूछने लगते हैं। तभी उस होटल का मालिक अपना सर खुद से काट देता है। गुल्ली और सोन वहाँ से भाग जाते हैं और होटल के बाहर झाड़ियों में छुपकर देखने लगते हैं। तभी उस होटल के अंदर से वो स्कीवर टॉयलेट बुल्ली और वो आदमी तीनों निकलता है और जंगलों के अंदर चला जाता है। गुल्ली और सोन उसका पीछा करने लगते हैं और फिर ये सारे लोग एक बंगले के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली और सोन सोच ही रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है और फिर उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और रॉड से पिज्जा ले लेता है और फिर वो अंदर चला जाता है। गुल्ली और सोन इशारा कर रॉड को अपने पास बुलाते हैं। गुल्ली रॉड से बोलता है कि बुल्ली इस बंगले के अंदर है, उसे बचा लो। और फिर रॉड बुल्ली को बचाने के लिए उस बंगले के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद रॉड देखता है कि ये सारे लोग गाना बजाकर डांस कर रहे हैं। रॉड बोलता है लगता है कि बुल्ली किसी और कमरे में है और वो दूसरे कमरे में बुल्ली को खोजने के लिए चला जाता है। और फिर रॉड को जैसे ही बुल्ली मिलता है उसे लेकर कमरे के बाहर आ ही रहा होता है, तभी उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। और अब आगे देखिए। और इधर गुल्ली और सोन काफी देर से रॉड का इंतजार कर रहे हैं। गुल्ली बोलता है सोन इतना देर हो गया, अभी तक रॉड आया नहीं है, कहीं रॉड किसी बड़े मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। सोन बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे गुल्ली, अगर रॉड नहीं निकला तो हमें बाबा को बुलाना ही होगा। गुल्ली बोलता है छोटी मोटी बात पर बाबा को मत बुलाया करो, ये सब हम लोग ही हैंडल कर लेंगे। सोन बोलता गुल्ली तुम्हारा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये सब कोई आम आदमी नहीं है, देखा ना इन लोगों ने कैसे बुल्ली को अपने कब्जे में कर लिया है, अगर हम लोग अभी भी बाबा को नहीं बुलाएंगे तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। गुल्ली बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो सोन, अगर रॉड और बुल्ली इस बंगले से बाहर नहीं आए तो मैं इस बंगले के अंदर घुसकर उन दोनों को अकेले ही बाहर लेकर आऊंगा। सोन बोलता है मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए हो रॉड। सोन गुल्ली को काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गुल्ली तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर स्कीवरी टॉयलेट और मॉन्स्टर रॉड और बुल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। स्कीवरी टॉयलेट का ऐसा गाना सुनकर रॉड उठता है और बोलता है कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ से काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। लगता है कि ये होश में नहीं है, अभी मैं इसके होश ठिकाने लगाता हूँ। मेरा मुर्दा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा, क्या कर रहा। रॉड के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनकर बुल्ली भी उठकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर बुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है। बुल्ली बोलता है तुम लोग कौन हो और आखिरकार तुम लोग ने मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। स्कीवरी टॉयलेट बोलता है तुम लोग अब मेरे बस में हो और मैं तुम लोगों के साथ जो करना चाहता हूँ वो करूँगा। रॉड बोलता है हमें यहाँ से जाने दो, तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि हम लोग किसके आदमी है, हम लोग बाबा लंगोटी लाल के आदमी है और अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया वो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। रॉड की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। स्कीवरी टॉयलेट बोलता है इन दोनों को भी हम लोग अपने जैसा ही बना देते हैं। और जैसे ही ये स्कीवरी टॉयलेट बोलता है सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती और फिर ये सारे लोग धीरे धीरे बुल्ली और रॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इधर गुल्ली और सोन काफी देर से इस बंगले के बाहर खड़े हैं। गुल्ली बोलता है सोन अगर तुम्हें इस बंगले के अंदर नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर इसके अंदर जाकर बुल्ली और रॉड को बचाकर लेकर आऊंगा। सोन बोलता है गुल्ली तुम बेवकूफी मत करो, अगर तुम इसके अंदर गए तो तुम भी जिंदा लौट के बाहर नहीं आने वाले। गुल्ली बोलता है वो दोनों हमारे दोस्त थे, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली उस बंगले की तरफ जाने लगता है। सोन बोलता है रुको गुल्ली मैं भी आता हूँ और फिर सोन भी गुल्ली के पीछे पीछे जाने लगता है। सोन बोलता है गुल्ली रुको देखो कुछ आवाज आ रही है। गुल्ली वहीं पर रुककर आवाज को सुनने लगता है।
किया, बुल्ली और रॉड भी स्कीमी टॉयलेट बन चुके हैं और इन दोनों की आंखें तो काफी लाल भी है। लगता है कि ये खून के प्यासे बन चुके हैं। गुल्ली और रॉड इन लोगों को देख के तो उनकी होशी उड़ जाती है। मारो 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 सान। गुल्ली की बात सुनकर सारे लोग गुल्ली और सोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोन जोर से चिल्लाकर बोलता है, गुल्ली अभी भी तुम मुंह क्या ताक रही हो, यहाँ से भागो। सोन की बातें सुनकर गुल्ली वहाँ से भागने लगता है और सारे लोग गुल्ली और सोन का पीछा करने लगते हैं। सोन बोलता है, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो रॉड और बुल्ली भी इसी के जैसा बन चुके हैं। गुल्ली बोलता है, ये सब हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हम लोग को अपनी जान बचानी होगी। वो लोग आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और सारे लोग गुल्ली और सोन को खोजते हुए आगे चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, सोन तुम बिल्कुल चुप रहना, ये लोग आसपास ही हैं, अगर ये लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो ये लोग हमें मार डालेंगे। सोन बोलता है, बात की हम लोग बाद में देखेंगे, पहले वहाँ पर देखो एक मॉन्स्टर घूम रहा है, अगर इसने हमें देख लिया तो ये सारे लोगों को बुला ले आएगा। गुल्ली भी उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखने लगता है। सोन बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमारे सारे दोस्त उन लोगों के कब्जे में हैं, अब हम लोग उन लोगों की जान कैसे बचाएंगे। गुल्ली बोलता है, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो सोन, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, यही सही वक्त है बाबा को बुलाने के लिए, चलो जल्दी से हम लोग बाबा को बुलाकर ले आते हैं, उसके बाद बाबा ही इन लोगों के ठिकाने लगाएंगे। और फिर गुल्ली और सोन जैसे ही बाबा को बुलाने जाने के लिए मुड़ते हैं तो वहीं पर एक मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली और सोन उस मॉन्स्टर को देखने के बाद तो उनकी होशी उड़ जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे मुझसे? सोन बोलता है, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो ये सारे मॉन्स्टर को बुलाकर ले आएगा। तभी गुल्ली के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ जाती है। गुल्ली बोलता है, इसे मैं बुलाने दूंगा तब ना। गुल्ली की बात सुनकर तो सोन के चेहरे पर भी एक डरावनी स्माइल आ जाती है। सोन बोलता है, तो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं, चलो अपना काम शुरू करते हैं। और फिर सोन उस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है और गुल्ली उस पर घूसे की बरसात कर रहा। काहे लगे मार रहे भैया, छोड़ दीजिए भैया, काहे लगे मार रहे, छोड़ दीजिए। सोन बोलता, गुल्ली तुम्हें जितना मारना उतना मार लो, उसके बाद तुम इसे पीछे से पकड़ना, उसके बाद मैं इसे मारूंगा। लेकिन गुल्ली इस मॉन्स्टर को इतना मारता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली और सोन का, क्या ये दोनों इन सारे स्कीबी टॉयलेट के हाथों मारे जाएंगे और क्या गुल्ली और रॉड स्कीबी टॉयलेट के चंगुल से निकल पाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 5 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।